महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में प्राइज मनी खेल प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें वॉलीबॉल में 10 टीम व बास्केटबॉल में 8 टीम भाग ले रही है, जो कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो अच्छी टीमें हैं उनका चयन किया गया है, वह ही प्रतियोगिता में भाग ले रही है। बुधवार को क्वार्टर फाइनल का मैच खेला गया है और 8 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली टीम को 75,000, द्वितीय को 50,000, तृतीय स्थान पाने वाली टीम को 30,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा तथा मेडल व ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के हाथों से पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य स्तरीय प्राइज मनी प्रतियोगिता के संयोजक कृष्णकांत यादव ने कहा, बहुत बढ़िया इस बार भी यहाँ पर किस्मत बहुत ही बढ़िया मौका था, बहुत बढ़िया। पर चीन की दीवार को तोड़ दिया। फोर्ट कॉलेज गोरखपुर वर्सी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। कृष्णकांत यादव, पूर्व क्रीड़ा अध्यक्ष महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर, संयोजक राज्य स्तरीय प्राइज मनी प्रतियोगिता वॉलीबॉल बास्केटबॉल का मैं संयोजक हूँ। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत 3 दिवसीय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता और 3 दिन में ही अवैधनाथ जी महाराज के वॉलीबॉल प्रतियोगिता राज्य स्तरीय यहां आयोजित है, जिसमें वॉलीबॉल में 10 टीमें और बास्केटबॉल में 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पर आई हुई हैं। जो पूरे प्रदेश से अच्छी टीमें हैं उनका यहां चयन किया गया है। उस प्रतियोगिता के अंतर्गत आज दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल का मैच यहां होंगे और 8 तारीख को सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल का और फाइनल मैच होंगे यहाँ। सम्मानित भी किया जाएगा इन लोग? हाँ, सबको यहाँ पर प्राइज मनी जो है प्रथम के लिए 75,000 रुपये, द्वितीय के लिए 50,000 रुपये, तृतीय के लिए 30,000 रुपये का नगद पुरस्कार है, उसके साथ मेडल और ट्रॉफी के सभी उनको दे के सम्मानित किया जाएगा। 10 तारीख को मुख्यमंत्री भी इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष ही विजेता टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे।